हेलो दोस्तों, आपका एक और फिर से वेलकम है टेक ऑफिस के इस नए एपिसोड में, जहां पे आपके लिए लेके आए काफ़ी ब्यूटीफुल से कस्टम रोम का रिव्यू, जो कि आपको एक बेटर बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस और रैम मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है। आप सभी को पता है कि एंड्रॉयड 11 के रोम आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पिक्सल एक्सपीरियंस और पिक्सल एक्सपीरियंस का जो प्लस एडिशन है, इसका आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है एंड्रॉयड 11 का अपडेट। लेकिन इसी के बिल्कुल ही क्लोज है ये पिक्सल एक्सटेंडेड, जो कि मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको सेम पिक्सल टाइप के आपको फीचर्स मिल जाते हैं, साथ साथ आपको काफ़ी अच्छा खासा कस्टमाइजेशन भी मिलता है। तो अगर आपको कोई ऐसा रोम पसंद है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन भी हो और पिक्सल टाइप का आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे, तो ये रोम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। साथ साथ यहाँ पे कई सारे डिवाइसेज को सपोर्ट करता है, तो आपके पास रेडमी एमआई या पोको का डिवाइस है तो आप उसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ पिक्सल एक्सटेंडेड के ऑफिशियल सोर्स के ऊपर, जहाँ पे सारे रोम है जो प्रोवाइड किए गए अलग अलग डिवाइसेज के लिए, और हर एक डिवाइस का यहाँ पे कोड नेम दिया गया है। तो आपके पास कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइसेज है जिसका आपको कोड नेम पता है तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर लो कि आपके फ़ोन का कोड नेम कैसा है और क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे Miatoll लिखा गया है ये फोल्डर, तो ये जो कोड नेम है ये Redmi के नोट 9S, नोट 9 प्रो, नोट 9 प्रो मैक्स और पोको के M2 प्रो के लिए काम करता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट बिल्ड है जो कि यहाँ पे 2020 का 11, 12 का बिल्ड है। तो यहाँ पे बस इस तरीके से इसे डाउनलोड करना होता है, उसके बाद आप फ्लैश कर पाओगे। और जिस टाइप से कस्टम रोम आता है पिक्सल का, जिसमें आपको गूगल के ऐप्स इंक्लूड मिलते हैं, सेम उसी टाइप से यहाँ पे भी गूगल के ऐप्स इंक्लूड मिलते हैं, तो आपको अलग से GApps वगैरह फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है अपने फ़ोन के कोड नेम को पता करने का और यहाँ पे ब्राउज करके उसे डाउनलोड कर लेने का। तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेज का कोड नेम मेंशन किया गया है, जिसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी जो मेरे पास डिवाइस है ये है रेडमी का नोट 7S, जिस पे मैं यहाँ पे फिलहाल इसे यूज कर पा रहा हूँ। तो जो भी डिटेल मैं आपको दूंगा, ये सारे सेटिंग्स कस्टमाइजेशन इन सभी डिवाइसेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आप इनमें से कोई भी डिवाइस के अंदर इस रोम को डालते हो तो किस टाइप का आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पिक्सल का एक्सटेंडेड का लोगो यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड्रॉयड वर्जन आपको यहाँ पे 11 देखने को मिल जाता है, जो कि सभी डिवाइसेज के लिए अब धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। साथ साथ इस एक्सटेंडेड का जो बिल्ड है आपको वर्जन देखने को मिलता है वो है 2.1। तो आप जब भी अपने डिवाइस के लिए डाउनलोड करो तो इस 2.1 का ही डाउनलोड करना, अदरवाइज आपको डिफरेंट या ओल्ड बिल्ड देखने को मिल जाएगा। और इस 2.1 के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया गया है जो कि 5 नवंबर का है, और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट आपको 11 देखने को मिलता है। और ये डिफरेंट डिवाइसेज के लिए डिफरेंट कर्नेल होगा, जबकि नोट 7 के लिए यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर का कर्नेल यूज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ड डेट जो कि 22 का है, बट ये जो बिल्ड नंबर है ना, ये आपको अलग अलग डिवाइसेज के लिए अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ये कुछ के लिए आगे हो सकता है, कुछ के लिए पीछे हो सकता है, तो इसको आप इग्नोर करना। यहाँ पे आपको मिलता है इसका सिस्टम, जहाँ पे आपको मिलता है मल्टी यूजर्स अकाउंट, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको मिलता है एंड्रॉयड 11 का जेस्चर, जहाँ पे एडेप्टिव प्लेबैक है, पावर मेनू आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्क्रीन शॉट का फीचर्स है जो कि ट्रिपल फिंगर पे काम करता है, जहाँ पे एडिट और शेयर भी आपको मिलता है। साथ साथ नेप बार वगैरह आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, और यहाँ पे डबल टैप पे आपका कैमरा ओपन होता है पावर मेनू को प्रेस करने पे। साथ साथ अगर बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे डिवाइस का सेटिंग, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए हैं फीडबैक वगैरह का, लाइट ब्राइटनेस का, और यहाँ पे ऑडियो के जैक वगैरह का। यहाँ पे डिस्प्ले का जो कलर वगैरह है उसमें आप चाहते हो चेंज करना, बाय डिफॉल्ट आपको पसंद नहीं आता, आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप है जो कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है एम्बिएंट डिस्प्ले, जहाँ पे पिक अप राइज हैंड और यहाँ पे पॉकेट का भी ऑप्शन देखने को काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स दिया गया है, जो कि FPS ओवरले का है, तो ये बहुत सारे यूजर्स को गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे आपको पता चल पाता है कि आपके गेमिंग का FPS क्या है। तो ये फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा परसेंटेज वगैरह। और साथ साथ यहाँ पे थर्मल शेडिंग दिया गया है, तो ये हर एक डिवाइस में शायद नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे नोट 7 के अंदर मिल जाता है। यानी अगर आपको बैटरी चाहिए तो बैटरी पे सेव कर सकते हो, अगर आपको नॉर्मल बेसिक यूज करना है तो बैलेंस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको गेमिंग चाहिए ना तो आप गेमिंग पे सेट करके गेम प्ले कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। और ह्यूज बैटरी सेविंग में आपको स्ट्रीम पे जाना होगा,
बट मैंने जो भी टेस्ट किया है, मैंने बैलेंस के ऊपर टेस्ट किया है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आगे यहाँ पे आपको मिलता है अकाउंट्स वगैरह, और यहाँ पे आपको मिलता है सेटिंग्स, जहाँ पे हर एक जगह आपको नया एनिमेशन दिखाई देता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉकिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगा है। तो अगर मैं फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो भाई फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट मुझे दिखा है एंड्रॉयड 10 के कंपेरिजन में, और फेस अनलॉकिंग भी परफेक्ट काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे मिसिंग है तो हमारा फेस अनलॉक के अलावा एप्स लॉक का फीचर, जो कि किसी किसी रोम के अंदर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे भी नहीं है। तो शायद इन फ्यूचर ऐड हो जाए या फिर ना भी ऐड हो, क्योंकि आपको मैंने जैसा कि बताया है कि पिक्सल टाइप का यहाँ पे आपको लो कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, तो सेम उसी टाइप से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है साउंड्स, जहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे अगर जो भी म्यूजिक प्लेयर आप यूज़ करो उसका नेम देखने को मिल जाएगा, वाइब्रेट फॉर कॉल, लाइव कैप्शन, मीडिया का ऑप्शन मिल जाते हैं, और बाकी आपको हैप्टिक फीडबैक, वाइब्रेट और साउंड्स का ऑप्शन मिलता है। डिस्प्ले के अंदर आपको मिल जाता है ब्राइटनेस और डार्क। इसे इनेबल करने के बाद अगर आप यहाँ पर नीचे की ओर आओगे तो देखने को मिलेगा प्राइमरी कलर, जहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शन के अनुसार बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको वन प्लस का डार्क मोड चाहिए तो यहाँ पे आपको वन प्लस टाइप का आपको डार्क देखने को मिलेगा। अगर मैं आई करता हूँ यहाँ पे तो आपको हल्का सा ग्रीनी टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओशियन पे आपको हल्का ब्लू ओशियन टाइप का देखने को मिलेगा डार्क, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हो, किस टाइप का आपको कलर चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो बटन का कलर है ये अब चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप डार्क मोड के बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, और जो भी डार्क आपको पसंद है उसका आप यूज कर सकते हो। अडैप्टिव ब्राइटनेस काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। साथ साथ आपको यहाँ पे क्लॉक सेवर्स वगैरह और लॉक स्क्रीन के ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे नाउ प्लेइंग दिया गया है, जिसे 2 times आपको ट्राई करना पड़ेगा ऑन करने के लिए, तब ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज शो टाइम इन्फो, और यहाँ पे वेकअप नोटिफिकेशन, स्किप वगैरह का और लॉकडाउन ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी फॉन्ट के ऑप्शन आपको दिए गए हैं कई सारे, और साथ साथ यहाँ पे आइकन को चेंज कर सकते हो अपने मर्जी के अनुसार, तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेटस बार के आइकन, किस टाइप से शो होना चाहिए उसे आप जो चेंज कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा खासा आपको बदलाव देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये एंड्रॉयड 11 होने की वजह से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में ही म्यूजिक प्लेयर का कंट्रोल मिलता है, जहाँ से आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो, ऑन ऑफ वगैरह है जो कर सकते हो। और यहाँ पे टैप करने के बाद आपको जो यहाँ पे वॉल्यूम इसका कंट्रोलर मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे पिक्सल की ओर से थोड़ा सा कस्टमाइजेशन, जहाँ पे कॉलिंग के लिए वाइब्रेट दिया गया है, वेटिंग के लिए और डिस्कनेक्टिंग के लिए। साथ साथ लॉक के लिए आपको मिल जाता है यहाँ पे फोर्स एफपी ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे फोर्ट रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन मिलता है, साथ साथ चार्जिंग एनिमेशन मिलता है, और डबल टैप पे स्लिप का यहाँ पे आपको मिलता है। एनिमेशन किस टाइप का होना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो बहुत सारे एनिमेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो मैक्रेलिन का है, इमरजेंसी का है, यहाँ पे प्लस का, पॉप का, लाइट का, रोमा का, मी वाई का, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जिस टाइप का आपको एनिमेशन पसंद है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वोल्टी के कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अपने मर्जी के अनुसार वोल्टी के आइकन में बदलाव ला सकते हो। साथ साथ यहाँ पे वाइब्रेट का भी ऑप्शन मिलता है, डबल टैप पे स्लिप का भी। लेकिन इसके अलावा एक और काफ़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे नजर आने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हो मैं हॉटस्पॉट यहाँ पे ऑन कर रखा हूँ। इसके अलावा मुझे वोल्टी का आइकन थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाता है, और जब मैं इसे जो वाईफाई से कनेक्ट करूँगा वो वाईफाई का, तो आप देखना कि यहाँ पे किस टाइप से आपको बदलाव देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बस हॉटस्पॉट क्लोज होगा और हमारा जो वाईफाई है जो कनेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, शायद मे भी पासवर्ड इन करना पड़े। हाँ, तो ये कनेक्ट हो चुका। अब कनेक्ट होने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो वो वाईफाई का कॉलिंग है ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका जो लुक है इसमें आप अच्छा खासा बदलाव ला सकते हो, जिसमें आपको वोल्टी प्लस वो वाईफाई जो कंबाइंड होके देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी बेहतरीन है। और जैसे मैं इसे अगर इसे क्लोज कर दूंगा तो आपको फिर से जो डिफरेंट देखने को मिल जाएगा आइकन वगैरह। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जो कि आप यहाँ से कस्टमाइज है जो कर सकते हो। इसके अलावा आपको एडवांस बूट मेनू देखने को मिल जाता है, जो कि आप इनेबल कर पाओगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको लुक देखने को मिल जाएगा एडवांस बूट मेनू का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जहाँ पे बूट लोडर, रीस्टार्ट, रिकवरी और ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि भाई पिक्सल टाइप के आपको कस्टमाइजेशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। नेटवर्क के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको नेटवर्क का एनिमेशन मिलता है, और साथ साथ यहाँ पे वो वाईफाई कॉलिंग को आप चाहो तो इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हो।
जैसा कि मैंने अभी ऑन कर रखा है और यहाँ पे वो वाईफाई सर्विस भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरा वाईफाई भी कनेक्टेड है और हॉटस्पॉट भी कनेक्टेड है, तो दोनों एक साथ काम कर रहा है नोट 7 के अंदर, तो एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है नोट 7 के यूजर्स के लिए। इसके अलावा आप देखोगे, नोटिस करोगे, जब भी मैं कोई एप्लीकेशन ऑन ऑफ करता हूँ या यहाँ पर स्टेटस बार ड्रॉ करूँगा तो बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर है हल्का सा पीछे की ओर जाता है और हटाने में भी बाहर की ओर आता है, यानी जूम इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो काफ़ी बेहतरीन फीचर्स है जो कि हमें एंड्रॉयड 11 के साथ प्रोवाइड किया गया है। साथ साथ आप इसे इजीली रूट कर सकते हो और रूट करने के बाद भी आपका जो नेट सेफ्टी है ना ये बिल्कुल ही पास रहने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप बैंकिंग के ऐप वगैरह यूज कर पाओगे और विदाउट रूट के भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, यानी बैंकिंग के ऐप वगैरह का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये अगर आपको वॉलपेपर पसंद आता है तो मैं टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। और साथ साथ यहाँ पे आपको पिक्सल का डिफॉल्ट लॉन्चर देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से आपको पिक्सल के सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए, आप यहाँ पे बेनिफिट ले पाओगे। आई होप सो गाइज कि मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया इस डिवाइसेज के बारे में। फिर भी आपके पास कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो और फ्लैशिंग से रिलेटेड आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। और आपका कोई भी ऐसा डिवाइस है जो कि 11 का सपोर्ट करता है यानी HD कंटेंट वगैरह को, तो आपको वहाँ पे 11 का सपोर्ट भी मिलेगा, तो आप अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स वगैरह यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे एक नॉर्मल सा कैमरा यूज किया गया है बट ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, तो ये आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे पिक्सल टाइप से आपको गूगल का जो डिस्कवर ऑप्शन है जो कि गूगल कार्ड वगैरह है ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो इसे आप इजीली वे में इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन के अंदर। और एंड्रॉयड 11 का काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बिल्ड है, इसका फुल बेनिफिट भी यहाँ पे ले पाओगे, आपको परेशानी या फिर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने के बाद भी आपको सिस्टम में लैग देखने को नहीं मिलता है, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और कहीं भी मुझे लैग फील नहीं हो रहा है जबकि मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर रखा है। और इसका जो सिस्टम साउंड है ये चेंज किया हुआ है, जैसा कि आप सुन सकते हो पिकाचू, तो इस टाइप से आपको सिस्टम के साउंड देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत सारे यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। आई होप सो गाइस कि आपको ये रिंगटोन सिस्टम साउंड वगैरह पसंद आएंगे, अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये रोम आपको पिक्सल जैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, एंड्रॉयड 11 प्लस थोड़े से कस्टमाइजेशन भी देता है और बेटर परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो आपको इस रोम को यूज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, आप काफ़ी ज़्यादा मज़ा लेने वाले हो इस बार एंड्रॉयड 11 का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।